नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। शहर में कई स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स वाहन संघ खाद्य विभाग टीम ने लिए नमूने। वीएस कुशवा ने कहा कि जांच के बाद प्रयोगशाला वाहन में चेक कराने पर तुरंत मिलता परिणाम। कुल लिए गए विभिन्न दुकानों से 13 नमूने। बता दें, आज खाद्य विभाग की टीम के द्वारा शहर में कई स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स प्रयोगशाला वाहन के साथ पहुंची और खाद्य विभाग वीएस कुशवा ने टीम के साथ कई दुकानों पर सैंपल लेकर जांच की और बताया कि इस फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स वाहन से ये लाभ है कि कोई भी सैंपल लो, उसको इसमें चेक कराने पर परिणाम तुरंत आता है। खाद्य विभाग के अभिहित अधिकारी वीएस कुशवा ने बताया कि फिरोजाबाद में 13 नमूने आए हैं विभिन्न दुकानों के, जिनकी जांच चल रही है। जांच के उपरांत उनको आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। इस वाहन से काफ़ी राहत रहेगी विभिन्न दुकानों पर सैंपल लेने के बाद जांच में। देखिए, फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। चने की दाल, चने की दाल, बेसन जी सर, आज खाद्य विभाग द्वारा किस तरह से कार्रवाई की गई है और जो वैन चल रही है आपके साथ प्रयोगशाला की वैन, इसमें व्यापारियों को किस तरह से सुविधा होगी? आम जनमानस को सुरक्षित हो, खुद शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। प्रवर्तन कार्रवाई के साथ साथ ये हमारी सचल फूड प्रयोगशाला हमारी है, हमारा कार्यक्रम है फूड सेफ्टी ऑन व्हील। उसके अंतर्गत हम खाद्य पदार्थों की मौके पे ही निशुल्क जांच कर रहे हैं। चाहे कुछ कंज्यूमर सामान लेकर आ रहे हैं फूड आइटम, कुछ दुकानदार लेके आ रहे हैं, वो भी जाँच करा रहे हैं। इसी तरह से शुक्ला में 18 नमूनों की जाँच हुई, जिसमें 5 फैल पाए गए। तो उनको बताया गया कि आपके अंदर आपके फूड आइटम में ये कमी है, इसमें सुधार करिए। इसी तरह से यहाँ फिरोजाबाद में भी अभी 13 नमूने आए हैं कंज्यूमर द्वारा और दुकानदारों को द्वारा, उनकी जांच चल रही है। जाँचों उपरांत उनको बताया जाता है कि आप कैसे क्रय विक्रय करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतें ताकि शुद्ध खाद्य पदार्थों का ही सेवन हो और क्रय विक्रय हो।